दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, लिब्रांडू अपने चेहरों पर नकाब रखते हैं और जलन सूजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इसीलिए भरनौल ये लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर का भूमि पूजन आप सभी ने कल देखा, लेकिन परसों से ही ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा था 5 अगस्त काला दिन। लिब्रांडुओं ने ऐसा खतरनाक प्रोपेगेंडा चला रखा था जिसकी कोई सीमा नहीं। कहीं पूजन हो रहा था तो कहीं सूजन हो रही थी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लिब्रांडुओं को 5 भाई साबुन लगाया जाएगा। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो वही 3 तारीख तक हर संभव प्रयास किया गया कि भूमि पूजन जो है वो टल जाए। कभी कोरोना का वास्ता दिया गया, कभी इकोनॉमी का वास्ता दिया गया, कभी स्कूल का वास्ता दिया गया, तो कभी बाढ़ का वास्ता दिया गया, मगर ये तो अटल था, ये टल नहीं सका। फिर 4 तारीख आई, लिब्रांडो को अब तक समझ में आ चुका था कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। तो 4 तारीख को सुबह से ही ट्रेंड कराया जाने लगा 5 अगस्त काला दिन, और बहुत बहुत सारा झूठ प्रोपेगेंडा उसके साथ शुरू किया गया। 4 अगस्त की रात कुछ इस प्रकार गुजरी लिब्रांडुओं की। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम दिनांक 5 सुबह भारत के प्रधानमंत्री धोती कुर्ता पहन के निकले। वैसे एक बार धोती कुर्ता राहुल गांधी ने भी पहना था, तो भाई धोती कुर्ता पहन के मोदी जी निकले और सीधा रामलला के दरबार में दंडवत प्रणाम कर दिया। इधर मोदी जी मंदिर के प्रांगण में लेटे हुए थे, उधर लिब्रांडो के कलेजे पे सांप लेट रहा था। कार्तिक आर्यन बेचारे आउटसाइडर, उनका करियर खत्म ना हो जाए तो भाई साहब कोड वर्ड में बात कर रहे थे। तो कार्तिक आर्यन ने लिखा, सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र का फल मीठा उन्होंने आज खाया है। अक्षय कुमार का कौन क्या ही बिगाड़ सकता है, तो अक्षय कुमार ने सीधा कहा जय सिया राम, और वहीं वीरेंद्र सहवाग की भी भक्ति जाग उठी थी। शिखर धवन ने भी भोकाल बचाया, मगर लिब्रांडो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इधर कितने ही लोगों की भक्ति जाग रही थी, उधर कितने ही झूठ पेले जा रहे थे लिब्रांडो। कल द वायर का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रिया वर्मा कहती हैं कि मंदिर के नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर का कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं मिली थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली थी वो किसी दूसरी मस्जिद की थी। मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि बाबर ने एक मस्जिद को तोड़ के बाबरी मस्जिद बढ़ाई। मतलब वो बाबर था कि बाबरा था, या तुम बाबरे हो या हम बाबरे हैं जो तुम्हें पढ़ रहे हैं। और ये जो मैडम है ना सुप्रिया वर्मा, ये राम जन्मभूमि के ऊपर जो वर्डिक्ट कोर्ट ने दी थी उससे पहले भी इसी प्रकार की बकैती करती रहती थी। फिर एक दिन कोर्ट ने इन्हें बुलाया और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि सॉरी सर, मैं तो कभी अयोध्या गई नहीं हूं, ऐसा तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, तो मैंने बोल दिया। माँ कसम, ऐसा भुकाली चरस भाई साहब किसी किसी को नसीब होता है। और ये जो मैडम है, इसके आर्टिकल को शेखर गुप्ता जैसे लोग छाप भी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बावरी है, पहले तो ऊपर से शेखर गुप्ता इससे ज्यादा बावरा जो इसके आर्टिकल को छाप रहा है। उधर से अमेरिका में भी प्रोपेगेंडा चलाया गया। time.com नाम की पत्रिका ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने टेम्पल को, राम जी के टेम्पल को कॉन्ट्रोवर्शियल बता दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कॉन्ट्रोवर्शियल। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्लैरिटी आ जाती है और कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, मगर इनका वही ढाक के 3 पात वाला राग कि भैया हमें तो कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना ही है। कमाल करते हो बाबूजी। अब जहां एक और टाइम मैगजीन इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही थी, तो NDTV अपने आप को कैसे रोक पाता। उसने कहा कि तुमसे ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी विवादित जगह पर राम जन्मभूमि की। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी विवाद दिखाई देता है, तो भैया पता नहीं इनकी क्लैरिटी कब आएगी, हमें तो समझ में आता नहीं। हाँ भैया, जिस चैनल के जो पत्रकार हैं वो अपने डेस्क पर ओसामा की डॉल रखकर घूमते हैं, वो तो इस तरीके की बात करेंगे। या फिर पुलवामा अटैक के बाद जिसके पत्रकार हाउस द जैश जैसी चीजें बोलते हैं, वो तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करेंगे ही, लाजमी है। उधर से राणा आयुब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि भारत के इतिहास का ये काला दिन है, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, और भारत एक सेक्युलर राष्ट्र होते हुए भी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो एक मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहा है, इससे भारत के मुसलमानों की इंसल्ट होती है, इंसल्ट। और भी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप चीजें इस आर्टिकल में लिखी गई थी, लेकिन इस आर्टिकल का किसी को भी बुरा नहीं लगा। जानते हो क्यों? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल।
फिर ये एक मैडम थी, इन्हें लिबरल बनना था, मगर लिबरल बनने के चक्कर में लिबरांडू बन गई। इन्होंने मोदी से पूछा, अरे मोदी एक बात बताओ कि तुमने जो मंदिर का भूमि पूजन किया, क्या तुम किसी मस्जिद का भी भूमि पूजन करोगे? अरे बहन एक बात बता कि जब बुद्धि बट रही थी तब क्या तूने बुद्धि की जगह सेक्युलरिज्म मान लिया था? अरे बुद्धि रहने दो, मुझे सेक्युलरिज्म दे दो, वही ज्यादा काम आएगी। तो भैया एक बात बता दो आप कि भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका भूमि पूजन होता है, एक मस्जिद बता दो, हम उसके बाद करा लेंगे। अब उसके बाद स्क्रॉल का एक आर्टिकल शेयर करते हुए रामचंद्र गुहा, एक महान हिस्टोरियन, मतलब इतने महान हिस्टोरियन कि उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई कभी की ही नहीं फिर भी वो हिस्टोरियन हैं, तो इतने महान हिस्टोरियन ने एक आर्टिकल शेयर किया और कहा कि मेरे सपनों का जो इंक्लूसिव भारत है उसकी आज मृत्यु हो गई। कहते देख रहे हो भाई साहब की, मतलब लोग खाते श्रीखंड, ये खाते पाखंड। कौन से इंक्लूसिव भारत की आप बात कर रहे हो भाई साहब? कौन सा इंक्लूसिव भारत? वो इंक्लूसिव भारत जिसमें 1990 में कश्मीर के अंदर एक समाज को भगा दिया जाता है मार मार कर, और ये कह दिया जाता है कि अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ और मर्द यहां से चले जाओ। या फिर उस इंक्लूसिव भारत की आप बात कर रहे हो जिसमें 1984 में एक पर्टिकुलर पार्टी ने एक पर्टिकुलर समुदाय को मार दिया, उसका नरसंहार कर दिया। किस इंक्लूसिव भारत की बात कर रहे हो आप? जिसमें दिल्ली के अंदर जो अभी दंगे हुए हैं उसके बाद एक पर्टिकुलर समाज को अपने घर छोड़ छोड़ कर जाना पड़ रहा है, उसके बाहर लिखना पड़ रहा है कि ये घर बिकाऊ है। या फिर मेवात में एक पर्टिकुलर समुदाय को आप लगातार कन्वर्ट करे जा रहे हो, और अगर कन्वर्ट नहीं होते तो उनको आप किडनैप कर रहे हो या फिर उस तरीके की हरकतें कर रहे हो जो पाकिस्तान में होती हैं। कौन सा इंक्लूसिव भारत भाई साहब, बताओ तो सही। वही जो अवैसी अभी तक ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम सभी उस फैसले को मानेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। सो इफ यू वांट एन एंड टू दिस इशू लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड एंड आई एम श्योर दैट वंस द एपेक्स कोर्ट डिसाइड द डिसीजन हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरीवन। लेकिन भूमि पूजन वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी ये भाई साहब लिखते हैं, यहां पर बाबरी थी, यहां पर बाबरी है और यहां पर बाबरी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भाई साहब तो खुली थ्रेट दे देते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर को अभी आप बना लो कोई बात नहीं, फिर एक दिन हमारी हुकूमत आएगी और इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा और यहां पर फिर से एक बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। फिर उसके बाद संयुक्ता बासु ने तो कुछ तगड़ा ही कर दिया, मतलब इतना तगड़ा कि किसी भी देखने और पढ़ने वाले को यही लगा कि ये औरत जो है जमाल घोटे में वीड मिला के उसके बाद लिमका के साथ उसको पीती है तभी इस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। संयुक्ता बासु ने लिखा कि मैं हिंदू हूं, वैसे अभी थोड़े दिन पहले इसने ये लिखा था कि मैं एथीस्ट हूं, पर चलिए ये हिंदू है कोई बात नहीं। तो इन्होंने लिखा कि मैं हिंदू हूं और मेरे पास जाने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मुसलमानों के पास जाने के लिए एक बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया क्योंकि उस बाबरी मस्जिद को किसी ने 500 साल पहले बनाया था और वो इन्वेड करके भारत में आया था। अरे मैडम तुम ऐसा करो, थोड़ा बहुत दिल्ली विल्ली में घूम लो, दिल्ली में ही रहती हो ना आप, तो दिल्ली में घूम लो, तुम्हें इतनी मस्जिदें मिलेंगी कि उनके पास भी तुम्हें लगेगा कि हाँ जाने के लिए बहुत सारी मस्जिद हैं। वहीं दूसरी ओर एक फैक्ट चेकर हैं, वो फैक्ट चेकर इतने बड़े फैक्ट चेकर हैं कि वो हाथ में पत्थर की जगह वॉलेट देख लेते हैं। वो भाई साहब इतने बड़े फैक्ट चेकर हैं तो उन्होंने बताया कि जो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क वहां पर टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर में जो है राम जी की फोटो नहीं दिखाई जाएगी, राम जी की एड नहीं चलाई जाएगी क्योंकि वहां पे इसके अगेंस्ट में ना प्रोटेस्ट हो गया है। लेकिन ये देखिए टाइम स्क्वायर में क्या हो रहा है, कमाल है भाई साहब, इतने तगड़े फैक्ट चेकर कैसे बन जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। लोग जहां एक और पूरा देश एक्साइटेड था कि राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है, वहां पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो न्यूज पेपर थे उनके लिए खबर महत्व ही नहीं रखती थी, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे इसको छापा ही नहीं। वहीं कश्मीरी एक्टिविस्ट शारियार खानम ने एक मस्जिद, जामिया मस्जिद जो कि कश्मीर में ही है, उसकी फोटो शेयर करते हुए कहा कि जामिया मस्जिद है, ये कश्मीर की है, ये किसी के फेथ के ऊपर नहीं बनाई गई है। अगर शारियार खानम का ये प्रोपेगेंडा ज्यादा देर नहीं चल पाया और ट्रू इंडोलॉजी ने इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया विद लॉजिकल फैक्ट्स। ट्रू इंडोलॉजी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कश्मीर का एक डॉक्यूमेंट थमाते हुए कहा कि ये जो मस्जिद है ना, इसके पहले इसी जगह पर जो था एक मंदिर था और उसका नाम था तारापीड़ा टेम्पल, जो तारापीड़ा टेम्पल तोड़ के उसी के ही रिमेन से इस मस्जिद को बनाया गया और 700 एडी तक ये टेम्पल वहां पर था। लेकिन एक तरफ ये जो सूजन हो रही थी, दूसरी तरफ पूजन हो रहा था और तीसरी तरफ हो रही थी थोड़ी सी ट्रोलिंग। तो भाई इस ट्रोलिंग को सुनिए, महाराज जी क्या बोल रहे हैं भाई साहब, अलग लेवल है। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे
राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते कुछ देर मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। और दूसरा, ये बर्नौल का आज तक पे एड जिस टाइम पर आया वो टाइम अपने आप में बहुत खास था, मतलब परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट यही होती है। हर ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर्स जो थी वो राम जी की लगा ली, तो भैया लिब्रांडो का ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे जाना ही दूभर हो गया, इससे ज्यादा बड़ी ट्रोलिंग क्या करोगे कोई। और तो और योगी जी ANI को बुला के कह रहे हैं कि शूट करो शूट करो, मैं अनार जलाऊंगा। उन्होंने अनार जलाया, शूट किया, ANI ने उसको पब्लिश किया। भैया लिब्रांडो की क्या हालत हुई होगी, खुद सोच रहे हो तुम। तो दोस्तों, एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन हम सभी ने कल विटनेस किया। उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद रांडू जो हैं वो भी इंक्लूसिव बन के दिखाएंगे, मगर उनसे उम्मीद करना शायद व्यर्थ है। लेकिन आप सभी से उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करेंगे पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू, दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में दिए गए हैं। आपका सपोर्ट बेहद वांछनीय है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।